नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दीपावली मनाई गई। इस मौके पर दीप जलाए गए और फुलझड़ी भी जलाई गई। सीएम हाउस में इस मौके पर कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद हैं। उन्होंने फुलझड़ी जलाई, दीपावली मनाई, अयोध्या में रामलला विराजे हैं और इसकी खुशी पूरे देश में दिखाई दे रही है। सीएम हाउस में भी दिवाली मनाई गई और यहां फुलझड़ी जलाकर खुशी जाहिर की गई। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है आज न केवल अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही एक तरह से भारत की प्राण की प्रतिष्ठा हुई है। हम सबका सौभाग्य है, पूरा देश तो क्या पूरी दुनिया सनातन संस्कृति की दीवानी हुई है। मेरी अपनी ओर से हमारे सारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ पूरी सरकार ने हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर भगवान राम के गर्भगृह प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। मैं स्वयं ओरछा में उपस्थित था। अभी शाम के समय यहाँ दिवाली का आनंद हमने लिया है। मैं इस अवसर पर आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। गरियाबंद का राजिम सवा लाख दीपों से जगमग हुआ। श्री रामलला के स्वागत में त्रिवेणी संगम में दीप जलाए। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राजिम में भी दीपावली का माहौल। नगरवासियों ने भारी उत्साह से त्रिवेणी संगम में महाआरती की। जीवन को सार्थक बनाए। आई ओ महानदी तेरे तट में देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम के त्रिवेणी संगम तट पर हम मौजूद हैं और यहाँ जो है 1.25 लाख दीप जलाकर जो लोग हैं वो रामलला का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राजिम से। और आज जिस तरह श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई उसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। राममय पूरा नगरी हो चुका है और तमाम लोग जो है जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा श्री राम जी की प्रतिमा के ठीक नीचे त्रिवेणी संगम तट पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर दीप जला हुए हैं। कितना उत्साह है, उत्साह है सर, बहुत ज्यादा उत्साह है। आप लोग जी, हम रामलला का स्वागत यहाँ पर दीप जला कर रहे हैं और यहाँ पर राजिम में हमने 1.25 लाख दीप जलाए हैं और यही हम ऐसा लग रहा है कि दिवाली है यहाँ पर। उत्साह का माहौल है यहाँ पे सभी राम भक्तों का। और ये जो ऐतिहासिक तो बहुत छोटा शब्द है, यहाँ पर कहा जाए जो हम जो देख पा रहे हैं वो ऐसा है कि शायद हम अपनी लाइफ में दोबारा कभी ये हो ही ना। बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं दीपावली जैसा है। और आप ये नज़ारा एक बार देखिए, काफी अद्भुत नज़ारा है त्रिवेणी संगम तट पर। और जो लोग हैं वो 1.25 लाख दीप जलाकर जो है रामलला का स्वागत यहाँ पर किए हैं। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। कोरबा के माँ सर्वमंगला मंदिर परिसर में 5100 दीप से जय श्री राम और धनुष बनाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों ने आकर्षक दीप का दर्शन भी किया। धनुष के साथ साथ जय श्री राम लिखा हुआ आप देखिए, कितने खूबसूरती से दीप जलाया गया। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरे देश में राम में माहौल है और उसके साथ ही कोरबा जिले में भी राम में माहौल यहाँ देखा जा रहा है। सुबह से लोगों में उत्साह है, रैलियां निकल रही है, भंडारा हो रहा है। इस वक्त हम सर्वमंगला मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5100 दिए के माध्यम से जय श्री राम यहाँ लिखा गया है और मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। और भक्तों की जो भीड़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं उनका आना जाना यहाँ लगातार है। यहाँ जो पुजारी है उनसे हम बात करें कि किस तरीके के दिए के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी, सबसे पहले जय श्री राम। आज राम जी का
पूरे मुल्क में इन गाँव से दिए से जय श्री राम मिला गया है। सुबह से यहाँ बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं, सभी चर्च चली रहा है, सुबह भगवान जी की आरती हुई है, लग्न शामिल किए जो हमारे मित्र का रोल है वहाँ तो श्रद्धालु लगातार मंदिर में आ रहे हैं। देख सकते हैं कि जो लोग श्रद्धालु वो लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और जो आराम का माहौल है उसको और खुशनुमा बना रहे हैं। न्यूज 18। मुंगेली में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह है। घर में दीप जलाए जा रहे हैं, जमकर आतिशबाजी की जा रही है और दिवाली जैसी खुशियां मनाई जा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है और आज मुंगेली जिले के लोरमी में भी आप देख सकते हैं कि लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और दिवाली के तरह इस जो त्यौहार है एक बड़ा दिन है पूरे भारतवासियों के लिए उसे मनाया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में उनसे जाना चाहेंगे किस तरह दिवाली और दिवाली की खुशी को किस तरह से निकले। देखिए ये ऐतिहासिक क्षण है और भावुक करने वाला क्षण है जी। वर्षों वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात हमारे राम, हमारे राजा रामचंद्र जी अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजे हैं और आज लोरमी में भी आप देख रहे होंगे कि राजा रामचंद्र विराजे हैं। हमको साल में दूसरी बार दिवाली मौका बनाने का मौका हमारे राजा रामचंद्र जी ने दिया है। आप देख रहे होंगे महिलाओं में उत्साह है, दिए जल रहे हैं, फटाके फूट रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि राजा रामचंद्र जी एक बार फिर अयोध्या लौटे हैं। पूरे वर्षों वर्षों जैसे राज किए थे एक बार फिर राम राज आने वाला है, राम राज आ गया है और देख सकते हैं राम राज की कल्पना की जा रही है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मुंगेली का गांव-गांव की जो है अयोध्या की शक्ल में दिखाई दे रहा है, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। किस तरह आप लोगों ने तैयारी की थी इस दिवाली को लेकर? देख लिए तो शब्द ही नहीं है, भगवान इतने 500 वर्षों में विराजमान हुए हैं। दर्शकों का न्यूज 18 एमपीसीजी पर भरोसा सामने आया है, जहां प्राण प्रतिष्ठा की लाइव कवरेज में नंबर वन बना है। यूट्यूब पर नंबर वन न्यूज 18 एमपीसीजी सबसे ज्यादा दर्शकों ने लाइव कवरेज देखा और इस अपार प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दर्शकों ने भरोसा जताया और प्राण प्रतिष्ठा की जो लाइव कवरेज है उसमें नंबर वन पर रहा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यूट्यूब पर नंबर वन न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, प्राण प्रतिष्ठा की हर तस्वीर सबसे पहले हमने आपको दिखाई और दर्शकों का बहुत ज्यादा प्यार और भरोसा, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। सबसे ज्यादा दर्शकों ने लाइव कवरेज देखा और प्राण प्रतिष्ठा की इस अखंड कवरेज को आपने नंबर वन बनाया। सबसे ज्यादा प्यार देकर अपना भरोसा आपने हम पर जताया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो YouTube पर न्यूज 18 का जलवा दिखाई दिया है, हर एक तस्वीर सबसे पहले हमने आपको दिखाई। YouTube पर नंबर वन रहा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सबसे ज्यादा दर्शकों ने लाइव कवरेज देखा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर और प्राण प्रतिष्ठा की हर तस्वीर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हमने आपको दिखाई और ऐसे में दर्शकों का काफी प्यार और भरोसा हमें मिला, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर छत्तीसगढ़ में भी दिवाली मनाई जा रही है। रायपुर के गुढ़ियारी में 11 लाख दीप जलाए गए हैं, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। लोगों ने कहा कि कई वर्षों के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस खुशी में आज के दिन को दीपावली की तरह मना रहे हैं। भगवान राम आज अयोध्या में विराज चुके हैं और हम इस वक्त राम के ननिहाल में खड़े हैं। रायपुर में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से 11 लाख से अधिक दीप यहां पर राजधानी में जलाए जा रहे हैं। भव्य आयोजन है, जय श्री राम के नारे किस तरीके से गुंजायमान हो रहा है, एक
दूर तक के एक दीपोत्सव का जो माहौल है, लोग उमड़े हैं, श्रद्धा का सैलाब जो उमड़ा है वो सीधे तौर पे देखिए, आज भगवान राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं और उसकी पूरे देश में उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, दीपावली की तरह मनाया जा रहा है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर दीपोत्सव में आए हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। दीपोत्सव में शामिल होने आए हैं भगवान राम आज अयोध्या में विराजमान हुए, क्या कहना है? बहुत ही आज खुशी का दिन है, हमारे आराध्य भगवान राम आज अपने जन्म स्थली पर स्थापित हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ दीपोत्सव मना रहे हैं। और मैं स्पेशली चित्रकूट का रहने वाला हूँ, भगवान की तपोस्थली है और हमें पूरे हिंदू राष्ट्र को आज इस पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। दीप जलाने आप लोग आए हुए हैं, कैसे, कोई बुलाया है कि आप खुद से आए? खुद से आए क्योंकि ये राम महोत्सव है और सबका महोत्सव है, तो सबको खुद से होके आना चाहिए और ये एंजॉय करना चाहिए। यहाँ इतना अच्छा आयोजन किया गया है सब जनता के लिए, सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छे से सब आयोजित हुआ है। यहाँ पे दियो का जो प्रज्वलन हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है ये माहौल और इससे पूरे मतलब सब जगह पॉजिटिविटी छा गई है, बहुत अच्छा माहौल हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। आप सीधे ये दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और उस तरफ देखिए कि भजन संध्या का भी आयोजन हो रहा है, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और एक त्यौहार की तरह आज ये उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। वहीं कोंडागांव में भी राम उत्सव मनाया गया है, राम मंदिर तालाब में 2100 दीपदान किया गया, साथ ही यहां रंगोली से भी सजाया गया। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर दंतेवाड़ा में भी उत्सव है और माता दंतेश्वरी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा, लोग माता दंतेश्वरी के दर्शन को यहां पर पहुंचे थे, मंदिर में जय श्री राम के जयकारे भी लगे। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिशा की तिथि यानी भगवान पूर्व के अवतार की तिथि, वही भगवान पूर्व जिन्होंने वहीं मुंगेली के लोरमी में हाई स्कूल मैदान में बेर से भगवान राम की आकृति बनाई गई, जिसके लिए 5 टन बेर का प्रयोग किया गया। बेर से ये पहली बार इतनी बड़ी आकृति बनाई गई है।